वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक दोस्तों देखिएगा, क्योंकि खाते में पेंशन मिल रही है, दिवाली का पैसा मिल रहा है। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है खाते में कब पैसा आएगा, और मिर्जापुर की एक मूवी भी आने वाली है। अगर आपने अभी तक उसका टीजर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है, सामने आई है बड़ी खबर। प्रदेश भर में मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सरकारी चाबुक चलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार यह बड़ा फैसला प्रदेश के सभी छोटे बड़े बिल्डरों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण बिल्डरों के शोषण का शिकार बन चुके लाखों फ्लैट बायर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में समय पर फ्लैट पर कब्जा ना देने वाले बिल्डर को बायर की जगह धनराशि ब्याज सहित वापस लौटानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के कारण प्रदेश का कोई भी बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। 1550 करोड़ रुपए की वसूली करके यह फ्लैट बायर्स को लौटाना भी पड़ेगा। वही दोस्तों, पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत पर सीएम योगी ने रिएक्शन दिया है, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले मोहित पांडे के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने योजनाओं का लाभ देने का निर्देश भी दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाने का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। यहाँ हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हुई है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा सीएम योगी दिए हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, आवास योजना का लाभ मिलेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही हॉस्पिटल में बने मेडिकल स्टोर से मरीजों को चूना लगाने का धंधा नहीं चलेगा, यूपी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल में सांठ गांठ पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। यहां हॉस्पिटल में बने मेडिकल स्टोर में मनचाहे ब्रांड की दवा नहीं बेच पाएंगे। मनमानी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश को जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि योगी सरकार ने दवा कंपनियों के गठजोड़ और हॉस्पिटल के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक नया फरमान जारी किया है। दवा बेचने पर लगाम लग जाएगा, मनचाहे ब्रांड की दवा आप नहीं बेच। इसके साथ ही भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है। वही जल्द खत्म होगा 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार, ये रहा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की संभावित तारीख। दोस्तों, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, दिवाली से पहले बड़ी घोषणा हो सकती है और आपकी खुशियां चार गुनी हो सकती है। अक्टूबर के अंत तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के नतीजे घोषित करने वाली है। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को ये बड़ा फैसला हो सकता है। इसके बाद फिटनेस वाली ट्रेनिंग का एग्जाम होगा, बोर्ड परिणामों के साथ साथ श्रेणीवार कट ऑफ अंक और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवार, जल्द ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। 1174 केंद्रों पर किया गया था, 67 जिलों में एग्जाम हुए थे। तो आपके सोने चांदी के गहनों पर भी हो सकती है मिलावट। बाजार में बिना हॉलमार्क और हॉलमार्क के नाम पर अन्य चिन्ह लगाकर ज्वेलरी की बिक्री हो रही है। पुराने विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम की छाप वाले सिक्के भी तैयार होते हैं। नकली 23, 21, 18 कैरेट की ज्वेलरी में भी निर्धारित सोने की मात्रा पर मिलावट हो रही है। जरा सावधान रहिएगा, इस धनतेरस में दूध दही खोवा पनीर तो मिलावट होता ही है, लेकिन सोना चांदी धनतेरस के दिन खरीदने जा रहे हैं तो आप जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि धनतेरस आज से शुरू है। खरीददारी तेजी पर होगी, लेकिन के बीच मिलावट वाले बाजार में मिलावटी सामान भी बिकेगा, जिस वजह से आपको चूना लग सकता है। दिवाली पर जनता को बड़ा तोहफा मिल गया, सरसों का तेल रिफाइंड के दाम गिर गए हैं, इतनी सस्ती हुई है दाल, जरा इसका रेट भी देखिएगा। बढ़ती महंगाई में इस दिवाली को थोड़ी सी राहत मिल गई है। खाद्य वस्तुओं के दाम में स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। अरहर की दाल और राजमा की दाल के दाम भी गिर गए हैं, इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। शाहगंज बाजार स्थित किराना के थोक और फुटकर विक्रेता दीपक अग्रवाल ने बताया कि आमतौर पर दिवाली या अन्य बड़े त्योहार पर खाद्य सामग्रियां महंगी होती हैं, लेकिन इस बार रिफाइंड और तेल सरसों का सस्ता हुआ है। तो दिवाली के दो दिन पहले यूपी के 56 लाख लोगों को तोहफा मिल गया, हर खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर हो गया, जश्न का माहौल है। पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर है, 56 लाख बुजुर्गों को खाते में पेंशन मिल गई है, 3 महीने का 3000 पेंशन दिया गया है। हालांकि अभी विधवा लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है, जिस वजह से वो थोड़ी सी निराश है। इसके साथ ही दिव्यांगों के खाते में भी पेंशन नहीं पहुंचा है। ऐसे कई जिले हैं जिसमें लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मुझको पेंशन नहीं मिली, मेरे खाते में पेंशन नहीं आया। तो अगर आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं तो थोड़ा इस बात को जानिएगा कि एनपीसीआई एक्टिव होना जरूरी है, और अब अकाउंट बेस्ड नहीं आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। तो दिवाली 31 तारीख को है, 29 और 30 तारीख को सरकारी दफ्तर खुले होंगे, इस बीच आपके खाते में पैसा आ सकता है। पीएफएमएस अपलोड हुआ है तो विधवाओं को भी पेंशन जल्द मिलेगी, दिव्यांगों को पेंशन भी जल्द मिलेगी।
वही फ्री गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों को ये लाभ मिल रहा है। जी हाँ, लगभग 2.25 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को ये लाभ मिलने वाला था, जिनमें से 1.08 करोड़ लाभार्थियों ने आधार प्रमाणित कराया था। पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका आधार प्रमाणित नहीं हो पाया है, अकाउंट से आधार एक्टिव नहीं है, तो अभी भी आपके पास समय है। हालांकि दिसंबर तक आपको ये लाभ मिलता रहेगा। उज्ज्वला लाभार्थी है तो आपको खाते में तो पैसा मिलेगा ही, फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इस दिवाली अगर 31 अक्टूबर से पहले अगर आप खाते में गैस सिलेंडर का पैसा चाहते हैं तो अभी गैस सिलेंडर बुक कर लीजिए, वरना इसमें थोड़ी देरी की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। 31 अक्टूबर तक गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है। तो आज धनतेरस है। इससे पहले सोने चांदी में तेजी देखी गई। सोना 480 रुपए चढ़ गया, 78,495 रुपए पहुंच गया। चांदी 96,552 रुपए पहुंची है। आज बताया जा रहा है कि महंगाई 2,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। धनतेरस से पहले सोना चांदी की तेजी देखी गई है। कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, कीमत इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, 95,000 के ऊपर पहुंच गया है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने सलून वाले को मदद कर दी है, मदद पहुंचा दी है। पोस्ट में लिखा, गरीब की मुस्कान वापस लाऊंगा। कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर गए थे, दाढ़ी वगैरह बनवाया था। राहुल गांधी ने रविवार दिल्ली में सलून चलाने वाले अजीत को उनकी दुकान के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया है। अच्छा, इसके साथ ही बाल संत पर क्यों भड़क गए राम भद्राचार्य, कहा मूर्ख बालक है। 10 साल के अभिनव ने 10 लाख फॉलोवर्स बटोरे हैं, पूरी कंट्रोवर्सी समझ लीजिएगा। नेताओं, मशहूर हस्तियों, बॉलीवुड सितारों के साथ तस्वीरें राम भद्राचार्य की आती हैं। इस बीच इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोवर्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भक्तिभाव का संदेश देने वाले पोस्ट, बाल संत बाबा के नाम से मशहूर 10 साल के अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। वह एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के साथ मंच पर थे, तभी जगत गुरु के कुछ कहने पर उन्हें मंच से उतार दिया गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन बन रहे हैं। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का बयान भी सामने आया है। झाड़ फूक करने वाले के पास मिला 18.5 लाख रुपए कैश। बरेली में बीमार हुआ तो पैसे हड़पने के लिए सेवादार और मकान मालिक भिड़ गए, बोरी में भरा था नोट। दोस्तों, बरेली में झाड़ फूक करने वाले के पास 18.5 लाख रुपए कैश निकला है, चांदी के सिक्के मिले हैं, बोरी और कपड़ों में लपेट कर रखा हुआ था। शनिवार को मियां सैयद अतर अली अचानक बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर उनकी संपत्ति हड़पने को लेकर सेवादार और मकान मालिक भिड़ गए, बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने सेवादार महिलाओं से रुपए और सामान जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि 18.5 लाख रुपए तक मिले हैं। वही लखनऊ में कबीला रेस्टोरेंट सील हो चुका है, अवैध रूप से चल रहा था, रेस्टोरेंट संचालक नहीं दिखा पाया था दस्तावेज। लखनऊ में 3 दिन में 50 करोड़ का कारोबार हुआ है और अभी कारोबार बढ़ता जाएगा। पानी के दिए से जगमगाता अयोध्या श्रीराम मंदिर, यूनिक झालरों पर पटा है बाजार। लखनऊ में अगले 3 दिन झालर, लाइट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सजावट के सामान को मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद जताई गई है। 25,000 बिजली कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। लखनऊ में 19 जिलों में कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन, कहा नौकरी से निकाला तो करेंगे हड़ताल। लखनऊ में दीपावली से पहले बिजली कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। सोमवार को गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय के बाहर 19 जिलों से आए करीब 1,000 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस बीच सेंसेक्स ने 700 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई, 80,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों की वेल्थ 5,00,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। तो मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी मिले, तत्काल 10 लाख रुपए की मदद कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिनहट के पुलिस कस्टडी में मारे गए व्यापारी मोहित पांडे के परिवार की मुलाकात करके मदद की है। तो दोस्तों, आपने मिर्जापुर का सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 तो देखा ही होगा, लेकिन अब आप थिएटर में भी मिर्जापुर देख पाएंगे। ये सीरीज नहीं होगी, ये एक नई मूवी मिर्जापुर की बन रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी होंगे, दिव्येंद्रु होंगे यानी मुन्ना भैया, और अली फजर का भी भौकाल देखने को मिलेगा। मिर्जापुर की मूवी आने वाली है। मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर देखने का मजा कुछ और ही होगा। यह विचार पहले भी कई लोगों ने किया था, अब एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। अब मेकर्स ने फाइनली घोषणा कर दी है, वेब सीरीज को फिल्म के रूप में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। 2026 तक आएगा, लेकिन ये समय जल्द ही बीत जाएगा, क्योंकि मिर्जापुर का एक्साइटमेंट ही इतना है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।